पहली गेंद पे लंबा छक्का लगाते हुए जिमी दरबार। लालू ए लालू, किसी को भेजना मैन ऑफ द मैच देने के लिए। ओम साई फायर से के मोंटू भाई से निवेदन करता हूं, मैन ऑफ द मैच देने के लिए प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आए। मैन ऑफ द मैच प्रणव को दिया जाता है लास्ट मैच के लिए। और गेंद जी आती उसी मारे कबार चार रन की ओर। दो गेंदे 11 रन, पूरा प्रेशर बनाया हुआ है गेंदबाज पे। मैं कमिटी के कुछ लोगों से निवेदन करूंगा कि प्लीज जो लोग बाउंड्री में बैठे हैं बाउंड्री के बाहर हो जाएं। उठा के खेल दिया, वहां कोई फील्डर मौजूद नहीं, गेंद जाती हुई सीमा रेखा बाहर चार रन की ओर। जिग्नेश पटेल आए हैं रिप्लेस करने जिमी दरबार को। राइट हैंड बैट्समैन आखिरी गेंद इस ओवर की। पहली ओवर की समाप्ति में स्कोर हुआ है 15 रन एक विकेट के नुकसान पे। और गांधीवाड़ी ना गांधीवाड़ी लायंस के नहीं भाई और राजे बॉयज के कप्तान से निवेदन करता हूं जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में आ जाए टॉस की कार्यवाही के लिए। गेंदबाज के रूप में आए हैं जयराज मोनिल, सामना करेंगे जयराज का। ओ बढ़िया गेंद, फील्डर मौजूद जब तक फील्ड करते थे एक रन चुराने में कामयाबी सी। एक रन के स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। दूसरी ओवर का खेल जारी, हर छक्के पे 501 रुपए का नकद इनाम मोंटू भाई की ओर से। हर छक्के पे ओम साई फायर सेफ्टी में जो भी छक्का लगाता है जो भी बल्लेबाज छक्का लगाता है उसको हर छक्के पे 501 रुपए का नकद इनाम।
राजे बॉयज के कप्तान और नईम इलेवन से निवेदन करता हूं प्लीज कमेंट्री बॉक्स में टॉस की कार्यवाही के लिए आ जाएं। राजे बॉयज के कप्तान से निवेदन करता हूं टॉस की कार्यवाही के लिए जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। राजे बॉयज और गांधीवाड़ी लायंस के बीच में टॉस की कार्यवाही होती हुई। ओ बढ़िया गेंद, वहां फील्डर मौजूद और बढ़िया कैच बनाया मोरिल पटेल को। मोरिल पटेल के रूप में ओम साई इलेवन को झटका लगता हुआ दूसरा। नए बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं अभि पटेल। जिगर आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। जिगर आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में ओम साई इलेवन की तरफ से। हर छक्के पे 501 रुपए का नकद इनाम मोंटू की तरफ से। मोंटू भाई ओम साई फायर सेफ्टी के प्रबंधक। और उठा के खेल दिया है, गेंद जाती हुई सीमा रेखा पर 4 रन की ओर। कोई फील्डर मौजूद नहीं वहां, इसी का स्कोर दौड़ता हुआ 21 रन। बढ़िया गेंद, समझ नहीं पाए। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर हुआ 21 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अंपायर से निवेदन है थोड़ा सा मैच जल्द से जल्द कराएं। आगे और भी 3 मैच खिलाना बाकी है अभी। और गेंदबाजी के लिए आए हैं रितेश। रितेश आए हैं अपनी कोटि का पहला ओवर लेकर और टीम की ओर से आखिरी ओवर लेकर। इस इनिंग की आखिरी 6 गेंदे, देखते हैं क्या कर दिखा दे रहे हैं जिग्नेश पटेल। हर छक्के पे 501 रुपए का नकद इनाम
मोंटू भाई की ओर से। एक और इनामी राशि हर छक्के में 501 रुपए का एएस ट्यूटोरियल की तरफ से। उठा के खेल दिया है, वाफिलर मौजूद और ये कैच ड्रॉप, काफी बड़ा नुकसान। आसान सा कैच, इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन। आखिरी और यहां पे एक स्पॉन्सर हुआ है। आखिरी गेंद और स्कोर रुका है 26 रन पे। धीमे धीमे कछुए की चाल की तरह स्कोर चलता हुआ 26 रन हुआ है। आखिरी गेंद उठा के खेलना चाहते थे, तीन रन चुराने में कामयाब। इसी के साथ 29 रन बनाए हैं, 30 रनों की आवश्यकता अगर ये मैच लाइफस्टाइल फिटनेस को जीतना है तो। हेलो धवल भाई, धवल भाई, ओ धवल भाई, करसन भाई, करसन भाई इधर, करसन भाई, ओ करसन भाई। करसन भाई भरवाड़ ओ करसन भाई आओ, ओके डॉल भाई आओ, गोयल साहब आओ, गोयल साहब आओ, अरे आओ मनीष भाई, आओ मोंटू भाई, आओ एक केतन पाटिल, अरे पाटिल ये हमारे बीच करसन भाई भरवाड़, धवल भाई, तेजा भाई, केतन पाटिल, गोयल साहब, लालू भाई, हमारे पाटकर साहब, पाटकर साहब आने वाले थे, कुछ अर्जेंट काम की वजह से नहीं आ पाए। उन्होंने एमएमसी को, मॉर्निंग क्रिकेट क्लब को 5000 का कैश दिया है, तो सभी का यहाँ पे पुष्प गुच्छ से स्वागत। लालू भाई आओ, तेजा भाई आ, यस देखो साहब, तेजा भाई ओके, यस भाई कैमरामैन करसन भाई, यस यस, ये है ना, ये है ना, यस निश्चित, यस
गोयल साहब का स्वागत। यस गोयल साहब, अंपायर से निवेदन है थोड़ा मैच फास्ट करवाएं। अंपायर दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज आ चुके हैं। अठारह गेंदों में 30 रनों की आवश्यकता। अगर ये मैच लाइफस्टाइल फिटनेस को जीतना है तो 18 गेंदों में 30 रनों की आवश्यकता। कमलेश भाई मैच थोड़ा जल्दी कराओ प्लीज, अभी और अपना 3 मैच बाकी है। एक बार फिर बहुत ही बड़ा क्रिकेट का ये टूर्नामेंट शनिवार को कल सुबह शुरू हुआ था और अब करीब करीब 2 और शेष मैच यहां पे बाकी। मेरे साथ स्कोरर यश माली, अंपायर कमलेश भाई का इशारा, पहली ओवर करेंगे जिग्नेश पटेल। हर विकेट पे इनामी राशि, हर विकेट पे 1001 रुपए और ये रन आउट। कोई भी गेंदबाज अगर विकेट लेता है तो हर विकेट पे 1001 रुपए का इनाम। 501 रुपए मोंटू भाई की ओर से और 501 रुपए जिग्नेश भाई पटेल की ओर से। आउट होके जो पेवेलियन की ओर गए खिलाड़ी जयराज और नॉन स्ट्राइक पे प्रशांत भाई। वो रनआउट का इनाम मंटू भाई, रनआउट का इनाम किसको मिलेगा? वो भी विकेट ही है, रनआउट का देना पड़ेगा ना। रनआउट का 501 रुपया मंटू भाई की तरफ से, जिस प्लेयर ने थ्रो किया था उसको 501 का इनाम मंटू भाई की तरफ से। नए बल्लेबाज नए बल्लेबाज जिनका बैट्समैन है, प्लीज ट्वेल्थ मैन आपका भेज दो भाई यहाँ पे। रिंकू भाई ट्वेल्थ मैन, अभी पटेल नए बल्लेबाज। पहली गेंद में थोड़े से बीट हुए, पैर से टकराई गेंद, फील्डर ने फील्ड किया और रन आउट होके पेवेलियन में। जिग्नेश पटेल हैट्रिक विकेट पे 2100 रुपया इनाम यहाँ पे मोंटू भाई की तरफ से। कीपर समझ नहीं पाए और ये बाई के जरिए, लेग बाई के जरिए एक रन, इस एक रन से अपना खाता खोलते हुए। हालांकि टारगेट को चेस करना है। तीन ओवरों में सिर्फ 30 रन बनाने, 10 की रफ्तार से खेलना होगा इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए। खराब गेंद, ऑफ स्टिक से काफी बार, ऑफ स्टिक से काफी बार, निश्चित रूप से वाइड और एक बाई के जरिए कुल मिलाकर 2 रन, दोनों अतिरिक्त दोनों रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 4 रन। राजे बॉयज ने टॉस जीता और उनका डिसीजन अभी तक आया ना। राजे के कप्तान अगर मुझे सुन रहे प्लीज डिसीजन बता देना। बहुत ही बेहतरीन और वहां पे पॉइंट पे लपके गए। पहली ओवर में 2 विकेट लपकाए हैं और तीसरा विकेट जो कि रनआउट के रूप में लिया था।
इसके बाद का जो मैच होगा राजे बॉयज वर्सेस गांधीवाड़ी लायंस के बीच, राजे बॉयज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना यानी कि गांधीवाड़ी लायंस को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है। गांधीवाड़ी प्लीज आपके बैट्समैन को रेडी रखें। ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति पे कुल मिलाकर 4 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 2 कैच आउट और 1 रन आउट। नॉन स्ट्राइक एंड पे नए खिलाड़ी स्नेल भाई, अरे कोई भी नाम लिख देना। बहुत ही बेहतरीन गेंद, पॉइंट और गली के बीच में खेला हुआ शॉट, 1 रन चुराने में कामयाब बल्लेबाज। पच्चीस रनों की आवश्यकता भाई, 12th man नहीं आएंगे ना हम लोग, यहाँ बोलेंगे नहीं। ओम साई का भी 12th man नहीं है और बैटिंग साइड पे भी भाई, कमल भाई मैच स्टॉप करा देना, मत कराओ मैच, जाना दो। 12th man कोई नहीं, किसका नाम कैसे लिखेंगे? मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बेस्टमैन निकलना है। हाँ लेकिन कैसे, 12th man चाहिए यहाँ पे, ऐसा कोई क्रिकेट है क्या? क्या डिसिप्लिन है, कौन है कैप्टन? दोनों कैप्टन इधर आओ ना। नहीं होगा तो मत करो मैच, चलेगा लेकिन कैप्टन अभी लास्ट वार्निंग है, इसके बाद यहाँ कैप्टन 12th man चाहिए। बार बार पूछना क्या हम लोग यहाँ का ठेका लेके बैठे क्या? चाहिए 12th man, मतलब चाहिए 12th man, नेक्स्ट मैच में कल सब माल डिब्बे में हो जाएगा। फिर स्कोरिंग बंद कर देगा हम लोग, क्या करें? गांधीवाड़ी का कहाँ है लायंस? गांधीवाड़ी लायंस 12th man, तो नाम बोलो भाई, अरे नाम बोलना भाई, यहाँ आगे आके बैठो। हम लोग 8-10 बार बोल रहे क्या? नहीं 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 चलेगा रिंकू, प्लीज स्कोर। 9 रन 9 रन अभी तक जुड़ चुके हैं जीतने के लिए, एक अब लंबा लक्ष्य, 10 की रफ्तार से अगर खेलेंगे तो इस टूर्नामेंट में बने रहेंगे। बहुत ही बेहतरीन लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेला हुआ शॉट, 1 रन चुराने में कामयाब बल्लेबाज, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और रन आउट, काफी अच्छा थ्रो। मॉर्निंग डीजे, मॉर्निंग 11 जो हमारी बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनाइजिंग, इसके पहले भी उन्होंने 2-4 टूर्नामेंट कराए थे, काफी अच्छे टूर्नामेंट, सभी खिलाड़ी आए हो, खिलाड़ी का हम यहाँ पे अभिवादन करते हैं, प्रेक्षक जो भी है सभी का भी अभिवादन करते हैं। हर एक विकेट पर यहाँ पे 501 का इनाम है और हैट्रिक सिक्सर पे जगदीश भाई बजरंग भाई भरवाड़ के तरफ से 1001 का इनाम है। अभी तक हैट्रिक किसी ने लगाई नहीं है, हैट्रिक सिक्सर पे 1001 का इनाम जगदीश भाई बजरंग भाई भरवाड़ का है। उमरगांव जीआरडीसी स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड पे है, बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट, एक बार फिर बहुत ही बेहतरीन कवर और पॉइंट के बीच से खेला हुआ शॉट, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग वहां पे, 1 ही रन से संतोष बल्लेबाज, इस सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर। 7 गेंदों में 19 रनों की आवश्यकता, 7 गेंदे 19 रन।
बल्लेबाज के रूप में आए हैं रितेश। पॉइंट पे खेली शॉट, एक रन से संतुष्ट बल्लेबाज। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी यहां पे ओम साई इलेवन। छह गेंदों में 18 रन की आवश्यकता। दो ओवर की समाप्ति पे कुल मिलाकर 12 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। स्नेहल भाई तीसरी ओवर करेंगे, यानी कि इस मैच की आखिरी ओवर। छह गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता। इसके बाद का जो मैच होगा राजे बॉयज वर्सेस गांधीवाड़ी लायंस के बीच। राजे बॉयज ने टॉस जीतकर पहले गांधीवाड़ी लायंस को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है। राजे बॉयज और गांधीवाड़ी के दोनों ट्वेल्थमैन प्लीज पहले से ही आ जाना, ये हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। खराब गेंद, पहली गेंद स्नेहल भाई की खराब गेंद, वाइड गेंद ऑफ स्टिक से काफी बार। एम्पायर दोनों हमारे काफी अनुभवी ईश्वर भाई और कमलेश भाई, इस रीजन के सबसे बेहतरीन एम्पायर। जहां भी आप टूर्नामेंट देखने जाएंगे ये दो चेहरे आपको दिखाई देंगे। एम्पायर की सेवा के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बेहतरीन गेंद करते हुए स्नेहल, 5 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता। 5 गेंद 17 रन। बहुत ही बढ़िया लॉन्ग ऑफ कर खेला हुआ, ये बहुत ही बेहतरीन बुलेट शॉट कहा जाएगा इसे। और उस बीच एक रन चुनाव का बल्लेबाज, 4 गेंद 16 रन। अगर 4 चौके लगाते हैं तो आप इस टूर्नामेंट में बने रहेंगे। स्नेहल भाई को खेलना बहुत ही मुश्किल है और ये प्लम लेग बिफोर। और एक 501 का इनाम मोंटू भाई और गोहिल साहब की तरफ से। बजने ते धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी धड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली दुश्मन की देखो जो फट लावली। ओके, इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए सबसे बड़ा योगदान जो दिया है, हेलो 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 अभिषेक भाई, हेलो हेलो अभिषेक भाई, हेलो हेलो भाई माइक बंद हो गया। हेलो 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 हेलो